बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जबलपुर में कहा कि 12 जुलाई 1947 को महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भी भाई पाकिस्तान में रह गए हैं वो जब भी भारत आना चाहें आ सकते हैं। अब राहुल गांधी बताएं कि क्या वे महात्मा गांधी को नहीं मानेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि भारत पर जितना अधिकार मेरा और आपका है उतना ही अधिकार पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का भी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जबलपुर में कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वालों कान खोलकर सुन लो, जितना विरोध करना है करो, हम सारे लोगों को नागरिकता देकर ही दम लेंगे। भारत पर जितना अधिकार मेरा और आपका है उतना ही अधिकार पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का भी है। चोट पर आपके भरोसे पर कहता हूं, कांग्रेस वालों कान खोल कर सुन लो, जितना विरोध करना है वो करो, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर ही हम दम लेंगे। हमें कोई नहीं, भारत पर जितना अधिकार मेरा और आपका है उतना ही अधिकार पाकिस्तान से आए हुए हिंदू सिख बौद्ध ईसाई शरणार्थी का है। वो भारत का बेटा है, भारत की बेटी है और हमारा भाई है, उसको गले लगाकर हम मानेंगे। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी CAA को लेकर जनजागरण अभियान चला रही है। जनजागरण की वजह कांग्रेस और राहुल एंड कंपनी है। ये राहुल ममता केजरीवाल लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी और ममता बनर्जी को चुनौती देता हूं कि वो बताएं CAA में नागरिकता छीनने का नियम कहां है। जनजागरण क्यों चलाना पड़ रहा, क्या है सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्या जनजागरण इसलिए चलाना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा एंड कंपनी, कम्युनिस्ट केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारी पार्टियां इकट्ठा होकर देश को गुमराह, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देश के माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक भाइयों की, मुसलमानों की नागरिकता छीन, और इसके कारण देश में बड़ी क्रांति की स्थिति निर्मित हुई। ये तो आज मैं बताना है, मैं यहां से चैलेंज देता हूं ममता बनर्जी और राहुल बाबा को, ये सिटीजनशिप एक्ट में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कहीं पर भी किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान है तो बता दीजिए, इसमें कहीं पर भी नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान। और मित्रों, नागरिकता किसको देंगे? जब देश का बंटवारा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया और देश दो टुकड़ों में बट गए। पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में जो हिंदू सिख बौद्ध जैन क्रिश्चियन पारसी रह गए उनको यहां आना था, मगर उस वक्त जिस प्रकार का खून खराबा था वो वहां रह गए। और हमारे देश के सभी नेताओं ने आश्वासन दिया कि आप अभी वहां रह जाइए, आप जब भी कभी भी आएंगे भारत में आपका स्वागत किया जाएगा, भारत आपको नागरिकता देगा, भारत आपको सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आज कांग्रेसी देश भर में बवाल मचा रहे हैं। 12 जुलाई 1947 को महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भी भाई पाकिस्तान में रह गए वो जब भारत आना चाहें आ सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी, अब क्या आप महात्मा गांधी को भी नहीं मानेंगे? नागरिकता कानून जो है वो उसको नागरिकता देने का कानून। और मित्रों, आज सारे कांग्रेसी पूरे देश भर के अंदर गांव 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 कर रहे, विरोध कर रहे,
से भगाया गया उन्हें पता होना चाहिए, जो रह गए हैं वो हिंदू भाइयों को भी पता होना चाहिए, वो पूरे भारत के नागरिक थे, जब भी भारत में आना चाहते हैं भारत उनकी सेवा करने के लिए तैयार है, उनको नागरिक। महात्मा गांधी, राहुल बाबा आप महात्मा गांधी को भी नहीं सुनोगे? छोड़ दो महात्मा को, तो कब का आपने छोड़ दिया? गांधी जी को कब का छोड़ दिया? आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी और जो आने वाले हैं वो शरणार्थी के राहत, पुनर्वसन और नागरिकता के लिए जो भी कुछ करना है वो करने के लिए हम तैयार। आपके परनाना का भी नहीं मानोगे? कुल मिलाकर सीएए की भ्रांतियां दूर करने आए अमित शाह विपक्ष पर जमकर गरजे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जबलपुर।